हे छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 6.2 में ही प्रश्न क्रमांक 4 करेंगे। तो इसमें हमें दिया गया है, यदि दी गई आकृति में DE समांतर AC और DF समांतर AE हो तो सिद्ध कीजिए कि BF बटे FE बराबर BE बटे EC। तो यहाँ पर हमें एक आकृति दी गई है, तो ये हमें आकृति दी गई है जिसमें मैंने पहले से ही अंडरलाइन किया हुआ है जो समांतर है, ताकि आपको आसानी से समझ सके। तो यहाँ पर DE समांतर है AC के और DF समांतर ये है, ये दोनों समांतर हैं। लाल लाइन जो आपको दिख रही है रेड कलर की, ये दोनों समांतर हैं, और ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ये दोनों समांतर हैं। तो सिद्ध करना है कि BF बटे FE बराबर BE बटे FC। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है हम उसको लिख लेते हैं, अभी चित्र को हम इस तरफ कर देते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें यह दिया गया है DE समांतर AC, जो कि हमने क्वेश्चन से ही लिखा है, और DF समांतर AE, तो हमने दोनों को लिख लिया। अब हम इसमें चित्र में देखना है, और सबसे पहले हम बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं, और हमें चूंकि ये प्रूव करना है इसलिए तो सबसे पहले हम यहाँ जो हमें प्रूव करना है हम इसको भी लिख लेते हैं। तो इसको लिखने के बाद हम अब त्रिभुज में चलते हैं। तो बड़ा त्रिभुज हम ले लेते हैं, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। थेल्स प्रमेय से इसे हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। तो इसमें अब हमें देखना है, अब समझने के लिए हम चित्र को इस तरीके से कर देते हैं। अब आप देख रहे होंगे इस भुजा के समांतर ये भुजा दी गई है, तो थेल्स प्रमेय किस तरीके से लगेगा आप देख लें। यहाँ पर BE बटे EC हो जाएगा और BD बटे DA हो जाएगा, क्योंकि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक अन्य रेखा खींची जाए तो वह त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। जब समान अनुपात में विभाजित करेगी इसका मतलब BD बटे DA और BE बटे EC होगा। तो वही हम लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, जहाँ ये आपकी जो लाइन है नीले कलर की जो लाइन है वो टच हो रही है वहीं पर आपको लिखना है BE बटे EC बराबर BD बटे DA और इसको हम समीकरण एक बना देते हैं। इसके बाद हम दूसरे त्रिभुज में चलते हैं जिसमें ये रेड लाइन जो है वो आनी चाहिए, तो ये यहाँ तक है इसलिए इस त्रिभुज में इसका मतलब BAE में त्रिभुज बी ई ए में थेल्स प्रमेय से। चलिए थेल्स प्रमेय से कर लेते हैं। तो अब आपको ये रेड लाइन देखनी है, ये यहाँ टच है इसलिए बी एफ बटे एफ ई बराबर, यहाँ पर ये देखिए रेड यहाँ टच है इसलिए बी डी बटे डी ए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी डी बटे डी ए और इसे हम बना देंगे समीकरण दो। अब आप समीकरण एक व दो की तुलना करेंगे तो हम लिखेंगे समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से। तो समीकरण एक व दो से आपको ध्यान से देखना है, इधर ये बी डी बटे डी ए और बी डी बटे डी ए लिखा है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं क्योंकि इनके आर एच एस भी बराबर हैं। तो आएगा बी ई बटे ई सी बराबर बी एफ बटे एफ ई। तो ये इस तरीके से हम लिखेंगे। अब हमें जैसा सिद्ध करना था आप यहाँ पर देख सकते हैं, बी एफ बटे एफ ई पहले लिखा है और BE बटे EC बाद में लिखा है, तो हम इसको इस तरीके से पलट देते हैं, इसको इस तरफ लिख देते हैं, इसको इस तरफ, BF बटे FE
बराबर बी ई बटे ई सी, और ये सिद्ध हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल था। आइए अब हम लोग पांचवा प्रश्न करते हैं। थैंक यू।